नमस्कार, करेंसी मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। कल के सेशन में हमने देखा मार्केट एक मिला जुला ट्रेड करते हुए दिखाई दिया, जहां हमने देखा कि USD INR मजबूत खुला था बट सस्टेन नहीं कर पा रहा था। मार्केट ओवरऑल 75-60 से लेकर 75-80 के बीच में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दिया। आज की अगर डेटा पॉइंट की अगर बात करें सबसे पहले, तो आज के डेटा पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा US साइड, बिकॉज 2-3 दिन से हमने देखे जो अपडेट्स आ रहे हैं US से वो काफ़ी मिक्स आ रहे हैं। एक तरफ हमने देखा कि मॉडर्ना ने जो नया वैक्सीनेशन का पॉजिटिव अपडेट आया था, अब कुछ उसके ऊपर डाउट लगाया जा रहा है कि ये अभी भी काफ़ी अर्ली रहेगा बोलना। उसके बाद हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर इंडेक्स में फिर से मूव आते हुए देखा। डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो आज FOMC के मिनट्स के FOMC मीटिंग के मिनट्स आने हैं, जो कहीं ना कहीं डॉलर को और रुपये को इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले लाइट रखी है पोजीशंस अपनी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स फिर से हमने कल के सेशन में एक गिरावट जरूर आती हुई देखी 99.20 तक, बट रिकवर करके वापस 99.50 तक है। तो ओवरऑल लग रहा है डॉलर इंडेक्स में गिरावट रहेगी, जिसके चलते रुपए को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर रुपए की अगर बात करें तो जब तक 76.20 के ऊपर रुपया नहीं निकलता है, हमें लगता है रुपये में कंटिन्यू मजबूती रहेगी। कल के सेशन की अगर बात करें तो कल हमने करीबन 0.5% की रुपए में मजबूती आती हुई देखी, जो 75-65-75-70 के बीच में जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं यूरो और GBP दोनों में ही हमने जंप आते हुए जगह, जिस दिन से डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, कहीं ना कहीं 0.25% की तेजी हमने EUR INR में और GBP INR में भी 0.5% की तेजी आती हुई देखी। वहीं JPY INR में हमने करीबन 1% के करीब की गिरावट आती हुई देखी, जिस दिन से गोल्ड में भी हमने एक साइडवे टू नेगेटिव प्राइस मोमेंटम बनते हुए देखा। डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो इक्विटी मार्केट में कल रिकवरी जरूर थी, बट अभी भी 9,000 के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं एक आशंका है कि मार्केट में फर्दर गिरावट बढ़ सकती है, जिसके चलते हमें लगता है 76.20 का इमीडिएट रेजिस्टेंस USD INR को रहेगा। वहीं यूरो में भी हमने देखा है कि एक प्रपोजल आया है फ्रांस और जर्मनी का, जहाँ पे करीबन 50 बिलियन यूरो एक रिकवरी फंड ऑफर हुआ है, जो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट इंप्रूव करता हुआ दिखाई दे रहा है यूरो का। वहीं GBP में भी कल हमने 0.5% की तेजी आते हुए देखी। ब्रॉडली तो कहा जाएगा कि डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट है उसके चलते हमने ये गेंस आते हुए देखे, बट अभी भी जो कंसर्न्स बने हुए हैं ब्रेक्जिट के निगोशिएशंस को लेकर, वो कहीं ना कहीं अपसाइड को कैप करता हुआ दिखाई देगा। वहीं जापान में भी हमने देखा कि जो कैबिनेट ने डेटा रिलीज़ किया Q1 GDP के, वो थोड़े बहुत अंडर प्रेशर ही है, जिसकी वजह से JPY में भी हमने दबाव बनते हुए देखा है। आज के ओपनिंग की अगर बात की जाए तो आज के ओपनिंग में USD INR ओपन पॉजिटिव होगा, जो 75-70 के करीब है। आई थिंक अभी भी टू अर्ली टू से, बिकॉज जब तक फेड मीटिंग के मिनट्स नहीं आएंगे मार्केट में एक अनसर्टनिटी बनी रहेगी। तो अनलेस 75-50 का लेवल नहीं तोड़ता, रुपए में फर्दर तेजी नहीं आएगी और अपसाइड में हमें लगता है कि 76.20 का एक ब्रॉडर रेजिस्टेंट बन जाएगा, इस रेंज में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। जबकि आज EUR INR में हम गिरावट देख सकते हैं, जो करीबन 82-70 तक का लेवल दिखा देगा, जबकि पाउंड में आज तेजी का थोड़ा बहुत दिखा रहा है, जो 92-80-85 तक का लेवल दिखा सकता है। JPY में भी आज गिरावट के साथ मार्केट मूव करेगा, जो 70.20 तक का लेवल दिखा सकता है। धन्यवाद।